मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सबका, मीडिया के साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और जितने मेरे और साथी यहाँ पहुंचे हैं उनका भी पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कांग्रेस प्रत्याशी ने भाई गोकुल सेतिया को उम्मीदवार उतारा है, आज ये अपनी बात मीडिया के समक्ष रखेंगे और मैं मीडिया से भी कहूंगा कि वो हमारे को पूर्ण रूप से कोऑपरेट करें। भाई गोकुल सेतिया, पहले पहले आप दोनों पहले हमारे समाज का आईना, सभी हमारे मीडिया के भाई, हमारे बहने, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप सब यहाँ पहुँचे हैं। उसके साथ साथ मैं हमारे मेरे पिता तुल्य अमीर चंद चावला जी, मेरे मामा श्री नवीन केड़िया जी, ब्यानी साहब, सरोगी साहब, सोनी साहब, मेरी बुआ कृष्णा फुगाट जी, अंकल अरे सारे बैठे, शर्मा जी, दिलीप जी, सुधार जी, अरे सारे, और किसी पंकज जी, किसी का नाम गोपी जी, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। करण भाई साहब मेरे, और नमन केड़िया जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं कई दिन से, और सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे लिए दिन रात एक किया। पूरी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि सबने मुझे एक्सेप्ट किया, कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन इन सब ने बड़प्पन दिखाया। मुझे केड़िया साहब ने भी, चावला साहब ने भी सबसे पहले फ़ोन करके खुद इन्होंने मुझे समर्थन, तो क्या पार्टी का हिस्सा मैं बनाऊँ, इन्होंने मेरा स्वागत किया और लगातार मेरे लिए, मेरे दोनों भाई करण जी भी, नमन जी भी दिन रात एक कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दिन थोड़े हैं, आपके परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ, और हो सकता है कि किसी को मैं अप्रोच करने से रह भी जाऊँ क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी को, पूरी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को, कि मेरी तरफ से कभी आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। आज कई तत्व इस प्रकार के हैं जो अंदर खाते हम लोगों को आपस में लड़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये जो कोशिशें हैं ये विपक्ष की कोशिशें हैं, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारा प्यार जो है वो इतना मजबूत है कि कहीं ना कहीं मैं भी इस प्रकार का आदमी हूँ, मेरे तक अगर कोई इस प्रकार की बात पहुँचती है तो सारा परिवार बैठा है, हम आपस में डिस्कस करके इसको साझा करके, और इन चीज़ों को हम कहीं भी उन लोगों को सेंध नहीं लगाने देंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्ष सारा इकट्ठा हो चुका है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कभी कि हम तो NDA का हिस्सा है, दिल्ली जाके हाजिरियां मारते हैं जब BJP वाले बुला लेते हैं, दूसरी तरफ किसानों का वोट लेने के लिए ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता बड़ी समझदार है, जो भी किसान वर्ग है हमारा, किसान वर्ग इस चीज़ को भली भांति जानता है कि ये कई लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए आज किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, ये बात कह के कि हम तो भाई BJP के साथ नहीं हैं। लेकिन ये वही लोग हैं, ये वही गद्दार हैं, ये उस किसान कौम के ये लोग गद्दार हैं जो इलाहाबाद जाकर किसानों के सामने जिन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया था। और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यही अपील करूंगा कि भैया गोकुल सेतिया तो फिर भी कहीं ना कहीं आधी रात को काम ही आएगा। 5 साल मैंने इनेलो से वोट लेने के बाद भी कभी भी किसी प्रकार का किसी से फर्क नहीं समझा, हमेशा उनको भी अपना परिवार समझा, तो गोकुल सेतिया तो आपके काम ही आएगा। लेकिन जिन लोगों को आपकी पार्टी समर्थन दे रही है वो लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं, इस चीज को मैं भली भांति जानता हूँ। वो लोग भी महसूस इस चीज को आज कर रहे हैं, मरे मन से उन लोगों को आज वहां जाना पड़ रहा है, लेकिन परिवार परिवार रहता है। मैंने जिससे ताल्लुकात बनाए हैं, पारिवारिक ताल्लुकात बनाए हैं और हमेशा रहेंगे। जिन कार्यकर्ताओं ने, इनेलो वालों ने भी मेरा साथ दिया था, मैं आज भी कहता हूँ एहसान एहसान होता है। लेकिन एक बात और वो लोग सोचें कि देखिए किस प्रकार से उनको आज इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आज उन लोगों के करके जो आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं,
अगर उन लोगों के कहने पे आज आपने किसान विरोधी नेताओं को वोट डाल दिया तो कहीं ना कहीं आपको आने वाली पीढ़ी को आप जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि एक तरफ तो आप इलाहाबाद जाके किसान विरोधियों के सामने झंडा आपने बुलंद किया था और दूसरी तरफ आज उनको आप वोट डाल रहे हो। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी थी उससे पहले मैंने मीटिंग रखी तो मीटिंग के दौरान मुझे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा, कई नेलो वालों ने भी कहा कि भैया कुछ मर्जी कर लेना लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी दूर से भी सोचना भी मत, वो किसान विरोधी पार्टी है। उन्हीं की जुबानी जो उन्होंने बात कही उसी को आज दोहराने का काम कर रहा हूँ कि मैं तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ मेरे इलाके के विकास के लिए, मेरे इलाके की तरक्की के लिए, लेकिन दूसरी तरफ आज कहीं ना कहीं अगर उनकी पार्टी का ही किसान विरोधियों के साथ अगर अलायंस होता है तो मैं समझता हूँ इससे माड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए चौटाला साहब ने बेशक इस्तीफा देकर अपने आप को एक साबित किया था कि किसानों के हितैषी हैं, लेकिन आज अगर वो साथ जाके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आज प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सबको बच्चे बच्चे को भी पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक गेम खेल रही है यहाँ के विधायक के साथ मिलके, और अगर इनेलो उसके अंदर साझेदारी देती है, इनेलो का वर्कर साझेदारी देता है, मैं ये समझता हूँ ये सारा डैमेज इनेलो के वर्करों का होगा। आज और पार्टियां भी उनको कहीं कहाँ शिफ्ट करती थी, इलाहाबाद के अंदर काफी लोगों ने उनको वोट डाला किसानी को देखकर ना कि पार्टी को देखकर, तो आज किस प्रकार से अगर वो बीजेपी के लोगों को वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं उनको समाज के अंदर अपनी कौम के आके जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जी, 27 तारीख का शैलजा जी का प्रोग्राम है तो आज उनका जन्मदिन भी है, मैं इसके लिए उनको बधाई भी देता हूँ। माहौल बहुत अच्छा है जी, मेरी इज्जत इन लोगों ने बचानी है ये सारे बैठे। जो लोग कहते हैं कि ठीक है हमारे में कांग्रेस में फूट है, ये है वो है, ये साथ बैठे हैं मेरे सिर पे हाथ रख दो, अगर वाकई आशीर्वाद मेरे साथ है सिर पे रखो, ये देख लो ये सारे ऊपर रख दे बड़ा भाई, ये सारे मेरे साथ है, हमारी पूरी टीम की जी, मैं आवाज कौन सा विश्वासघात किया मैंने, मैं मेरे आदरणीय हैं और मेरे हमेशा आदरणीय रहेंगे। कौन सा पीठ में चूरा गोपा, मैंने 2019 में इनेलो की अमदाद ली, मैंने इलाहाबाद के अंदर एडी चोटी का जोर लगाया, बीजेपी पार्टी की मुझे टिकट की ऑफर थी बाई इलेक्शन के अंदर, मैंने उसको ठुकराया, केवल इनेलो के लिए नहीं मैंने किसान कौम के लिए उस ऑफर को ठुकराया। जो पार्टी किसानों के विरुद्ध खड़ी थी मैं उनसे चुनाव लड़के किसानों का गद्दार नहीं बनना चाहता था, ना मैं सोच सकता कभी सपने में। क्या मैंने इनेलो की अमदाद करी, वो मैंने पीठ में छुरा मारा, मैंने लोकसभा चुनाव के अंदर इतनी गर्मी तपती धूप में इन सब ने शैलजा जी को बनाया यहाँ से, मैं तो तब भी इनेलो में था तो मैंने क्या उनके पीठ में छुरा मारा, अगर मैंने विपरीत स्थितियों के अंदर भी उनके साथ खड़े होने का काम किया, मैं क्या इनेलो का चुनाव चिन्ह मेरा चश्मा था, मैं इंडिपेंडेंट था, मैंने जब तक हुआ मैंने व्यास समेत असाम लौटाने का काम किया है। अगर उन्होंने इस तरीके की मेरे बारे में बात बोली है कोई बात नहीं, मेरे बड़े हैं कुछ भी कह सकते हैं। किस चीज का मैंने कभी भी किसी को इस तरीके से ना, तो मेरे पास कोई सरपंचों की उस तरीके की लिस्ट, मेरे पास 15 गांव के किसान साथी सभी मिलके आए थे जो पीड़ित है, जिनकी पैलियों के अंदर पानी नहीं लग रहा, दिंगतानिया माइनर, बंभूर माइनर, जिनकी पुरानी मांग है, किस प्रकार से उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के मौजूदा विधायक ने दिल्ली और चंडीगढ़ के चक्कर कटा कटा के उनको तंग करने का काम किया, तो उन्होंने मेरे में विश्वास जताया, कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया, सारी लीडरशिप में विश्वास जताया कि आप बनोगे, हमें उम्मीद है आप ही हमारे लिए नहर का पानी लेके आओगे। हुड्डा साहब भी उस दिन आए थे, उनके समक्ष भी मैंने ये बात रखी थी। कोई बात नहीं, सभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, बड़ा परिवार है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है,
ठीक है, उनको मेरे पे कोई गुस्सा होगा किसी प्रकार का, उन्होंने निकाल लिया, कोई बात नहीं, शर्माते। देखिए देखते हैं क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, सभी कांग्रेस के सपोर्ट में चल रहे हैं, कोई नाराज है, देखते हैं कि क्या रुख बनता है, उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया, ठीक है। मैं वही नेहलो के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूंगा कि जो सभी कार्यकर्ता मुझे कहते थे कि कांग्रेस में बेशक चले जाना, पर इस किसान विरोधी पार्टी को कभी जिंदगी में सोचना भी मत, तो क्या वो इनकी बातों में आके बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? मैंने थोड़े दिन पहले भी वो क्या नाम था उनका पत्रकार, अंजुम जी आए थे, उन्होंने बकायदा एक फोटो डाली कि इनके रेजिडेंस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था, तो जैसे फोटो डाली अगले दिन झंडा हट गया। कल जिन्होंने विड्रा किया अपना नॉमिनेशन, वो साफ चल रहे थे साथ में। मैंने एक बयान में भी कहा, मैंने एक फोटो भी दिखाई वीडियो में, कि अभी दो दिन पहले तक इनके ऑफिस के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी जी की फोटो लगी हुई थी। तो कुल मिला के शरेआम ये लोग कहीं ना कहीं इनेलो के वर्कर को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है, मैं जानता हूं अच्छे से कि वो शांत जरूर हैं, लेकिन उनका पार्टी से ज्यादा अपने किसानों के वो हितैषी हैं, और वो आप देखना नतीजे वाले दिन आपको पता लगेगा कि वो किसको वोट डालते हैं, किसान विरोधियों को वोट डालते हैं या जो किसानों के साथ हमेशा खड़ा हुआ है उसको वोट डालते हैं। आप लगातार बीजेपी को निशाना बनाए हुए हैं, 10 सालों में सत्ता का विकास नहीं हुआ, आप एक निगम लोगों को दिखा रहे हैं कि हम सत्ता को ऐसा बनाना चाहते हैं, कितना समय आप अगर जनता मौका देती है तो कितना समय में सत्ता में बदलाव देंगे? मैंने हाथ जोड़ के कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से यही रिक्वेस्ट की थी कि लोगों की अपेक्षाएं हमसे बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैं 600 वोट से पिछली बार हारा था, मेरे से भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस है कि इतना लोगों ने मेरा साथ दिया। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप भी एक नया रास्ता, लोकसभा के अंदर भी इन्होंने मेहनत करके लोगों को साथ जोड़ने का काम किया, सबसे उम्मीदें हैं। तो हमारा यही कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडरशिप से यही रिक्वेस्ट है कि हमें आपसे उम्मीद बहुत है, और यही हमें लगता है कि आप उम्मीदों पे खरा पूर्ण रूप से उतरेंगे और मैक्सिमम हमारे सिरसा का विकास कराएंगे। देखिए टेंडर का अचार डालेंगे, 10 साल के अंदर जो मौतें हुई है, जो लोग टाइम पे हॉस्पिटल बड़े शहरों में नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने एम्स पीजीआई में जिन लोगों ने धक्के खाए दुनिया जान के, जो तंग हुए 10 साल, वो तंगी दी हुई सारी भारतीय जनता पार्टी की है। टेंडर का क्या करेंगे, हमने टेंडर से लेना क्या है, हमें फैसिलिटीज चाहिए। हम अगर लोग टैक्स पे करते हैं तो हम ये बहाने सुनने के लिए नहीं पे करते कि टेंडर हो गया नहीं हो गया, ये हो गया वो हो गया। लोगों का काम है वोट डालना, टैक्स पे करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना सरकार का काम है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। 10 साल में सेंटर में स्टेट में उनकी सरकार रही, लेकिन वो टोटली फेलियर रहा उनका। मैं भी अपना जवाब आपको दोहरा देता हूँ कि मैंने आपको यही बात कही है कि शीर्ष नेतृत्व से, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से हमने यही रिक्वेस्ट की है कि सारा काम प्रियोरिटी पर रख के सरसा का कराना। उस दिन आपने शहीद भगत सिंह चौक पे मेरी स्पीच में सुना होगा कि हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है जैसे कि सिरसा हरियाणा का हिस्सा ना हो। अब टाइम पीरियड कोई कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ एडी चोटी का जोर लगा देंगे। आप सभी से अनुरोध है कि बाहर नाश्ता लगा हुआ है, नाश्ता लेके जाना।